हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कहानी है चिक्कू दुकानदार। तो सबसे पहले हम कहानी पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। चाचा जी किसी काम से बाहर गए हुए थे, चिक्कू दुकान संभाल रहा था। वापस आकर उन्होंने देखा कि चिक्कू अच्छे से दुकान संभाल रहा है। उन्होंने खुश होकर चिक्कू को टॉफ़ी लेने के लिए कहा। चिक्कू बोला, आप ही दे दीजिए। चाचा जी ने मुट्ठी भर टॉफियाँ निकाली और चिक्कू को दे दी। फिर चाचा जी ने पूछा, तुमने खुद टॉफियाँ क्यों नहीं ली? चिक्कू ने कहा, मेरी मुट्ठी आपसे छोटी है, आपकी मुट्ठी से मुझे ज़्यादा टॉफियाँ मिल गई। अच्छा, तो अब हम आगे देखते हैं क्या है कहानी में। आए हुए मनपसंद शब्दों को नीचे दिए गए स्थान पर भरिए। आपके जो मनपसंद शब्द हैं, जैसे एक तो हमें इसमें चीकू शब्द बहुत अच्छा लगा, है ना। फिर चाचा जी, फिर टॉफी, है ना, दुकान और संभाल, फिर हाथ, खुश और ग्राहक, है ना। चाचा जी की दुकान में कौन कौन सी चीज़ें होंगे सोचिए, और उनके नाम देखिए क्या क्या होगा। एक तो टॉफ़ी, चॉकलेट और बिस्किट और ब्रेड और क्या होगा, और होगा फैन और क्या होगा, रसना और क्या होगा, फ्रूटी और होगा आइसक्रीम और क्या होगा, आइसक्रीम के अलावा नमकीन, है ना, और वो होगा क्या कहते हैं चिप्स और क्या होगा कुरकुरे। देखो ये आप लोग लिख लेना है, क्योंकि ये सब बच्चों की फेवरेट चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, समझिए और पूरा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है, देखो दुकानदार, जैसे दुकानदार लिखा ना, वैसे ही आपको इसमें ये अगला दिया शानदार, यहाँ पे दार लिखना है, हवलदार, ठीक, मालदार, किराएदार, लेनदार, ये आपको करना है। चिक्कू ने खुद टॉफियाँ क्यों नहीं ली? क्योंकि उसके हाथ छोटे थे। क्योंकि उसके हाथ छोटे छोटे थे, इसलिए नहीं ली। और उसमें टॉफ़ी कम आती, इसलिए उसने अपने चाचा से टॉफ़ी ली, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। नेक्स्ट कहानी में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। और सॉरी, इसमें भी एक और है क्वेश्चन, चीकू की जगह आप होते तो क्या करते? हम भी वही करते जो चीकू ने किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर वही लिख देंगे, क्योंकि गुड हैबिट ही तो करेंगे ना, बैड हैबिट थोड़ी ना करेंगे। तो नेक्स्ट में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।